हेलो डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो वी विल स्टडी दी फाइनल फंक्शन ऑफ एन एंथर दैट इज डेहिस डेहिस ऑफ एंथर मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ एंथर और इसे हम एंथर का राप्चर होना भी बोल सकते हैं जिससे कि पॉलिन ग्रेन्स बाहर रिलीज होते हैं वी नो दैट

द स्टेराइल टिशू विच इज प्रजेंट बिटवीन टू पॉलन सैक्स ऑफ ईच एंथेलोब डिस इंटीग्रेट्स टू फॉर्म अ सिंगल के वी टी आप इस फिगर में देख सकते हो इन टी इज ऑफ मैच्योर एंथर आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ स्टेराइल टिश्यू ईच एंथेलोब हैज ओनली वन माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलेंसैक यहाँ ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दिस इज द अनदर माइक्रोस्पोरेंजियम तो एक मैच्योर एंथर में अब कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए ओनली टू माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलिन सैक्स। बिकॉज इनके बीच का जो स्टेराइल टिश्यू है वो क्या हो गया डिसइंटीग्रेट हो गया जिसके बाद दोनों पॉलिन सैक फ्यूज हो गए आपस में और एक पॉलिन सैक हो गए इसके साथ साथ इन मैच्योर एंथर The मैच uh, the microsporangial wall consists of epidermis and endothecium आप इस फिगर में देख सकते हो epidermis and endothecium. बट जब हमने यंग एंथर पढ़ा था तो वहाँ पर एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल्स में फोर लेयर्स होते हैं epidermis, एंडोथीशियम मिडिल लेयर्स एंड tapetum. जैसा कि टैपिटम का फंक्शन जो है वो क्या है डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना या न्यूट्रिशन देना एंड पॉलिन ग्रेन्स अब यहाँ डेवलप हो चुके हैं जिसको कि बाहर रिलीज होना है तो धीरे धीरे ये टैपिटम एंड मिडिल लेयर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं एंड ये जो एंडोथिशियम है एंडोथीशियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेहिसेंस ऑफ एंथर

नियरली कॉन्केव इससे एंटायर एंथर वॉल पर टेंशन क्रिएट होगा जैसे ही आउटर थिन वॉल जो है एंडोथीशियम की वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और कॉन्केव हो जाएगी तो पूरे एंथर वॉल पर क्या होगा टेंशन बनेगा एज अ रिजल्ट एंडोथीशियम शॉर्ट एंड रक्चर्स द एंथरलोव वॉल इन द रीजन ऑफ स्टूमियम इट प्रोड्यूसेज टू लॉन्गिट्यूडनल स्लेट्स वन इन ईच एंथलो एंड दी स्लेट्स एक्सपोज दॉलिन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन देयर फोर वी कैन से एंडोथीशियम टिश्यू डेवलप टेंशन ऑन एंथवॉल दैट लीड टू स्पलिटिंग ऑफ एंथर एंड पॉलिंग्रेन्स आर रिलीज आउट तो इस वे से आप समझ सकते हो कि डेह प्रोसेस क्या होगा एंड डेहिसेंस प्रोसेस जो है वो अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डेहिसेंस फर्स्ट वन इज़ लॉन्गील टाइप सेकेंड इज़ ट्रांसवर्स टाइप थर्ड इज़ पोरस टाइप और एपिकल एंड फोर्थ वन इज़ वैल्वुलर टाइप तो जो फर्स्ट टाइप है लॉन्गील टाइप ऑफ डेहिसेंस लॉन्गील टाइप ऑफ डेहिसेंस इन विच द पॉलिन ग्रेन्स आर रिलीज अलोंग दी लॉन्गील स्लिट्स आप डायग्राम में देख सकते हो पॉलिन ग्रेन्स इसी लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स से क्या होंगे बाहर रिलीज होंगे सेकेंड इज ट्रांसवर्स टाइप ऑफ डेहसेंस इन मोनोथिकस एंथर्स ऑफ मालवेसी द डेहसेंस इज ट्रांसवर्स एज द पोजिशन ऑफ द स्लिट इज़ होराइजोंटल तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि स्लिट का पोजिशन जो क्या है वो क्या है हॉराइजोंटल है और यहाँ से पोलिन ग्रेन्स जो हैं वो बाहर रिलीज होते हैं थर्ड वन इज पोरस और एपिकल हम लोग इसको टाइप ऑफ डेहीसेंस जनरली कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज यहाँ पर वॉल रपच्चरिंग नहीं हो रही है द ग्रेन्स आर रिलीज्ड डिस्चार्ज थ्रू एन एपिकल पोर फोर्थ वन इज वेलव्यूलर टाइप ऑफ डेहेसेंस वेन द लिबरेशन ऑफ पॉलिंग टैप डोरस इन द एंथवॉल विद्यूलर मैकेनिज्म दिस टाइप ऑफ डेहिस इज कॉल्ड वेलव्यूलर टाइप ऑफ डेहेसेंस आप देख सकते हो इस फिगर में दिस इज द ट्रैप डोर्स और इसी ट्रैपडोर्स के वैल्विलर मैकेनिज्म से क्या होंगे पॉलिन ग्रेन्स बाहर रिलीज होंगे और ये कहाँ मिलेगा इन बारबरिस प्लांट्स लॉरस प्लांट्स एक्सेट्रा जो पोरस और एपिकल टाइप ऑफ डेहिसेंस है वो मिलेगा सोलानम में ब्रिंजल ट्रांसवर्स टाइप ऑफ डेहिसेंस कहाँ मिलेगा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका हिबिस्कस और जो लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ डेहिसेंस है जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं इसे ये मिलेगा दतूरा प्लांट में तो इन दिस वे आप समझ सकते हो कि डेहिसेंस प्रोसेस जो है वो बहुत डिफरेंट uh, तरीके से होता है तो डेहिसेंस मीन्स द रप्चरिंग ऑफ द वॉल ऑफ एंथर एंड द रिलीज ऑफ पॉलनग्रेंस और यहाँ पर फोर टाइप्स ऑफ डेह आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स पोरस एंड इन इनआर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलेन ग्रेन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट थैंक यू